दोस्तों अगर आप हमारे चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो सब्सक्राइब का बटन दबाइए और कोई लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मिस ना हो उसके लिए घंटी को दबाइए। दोस्तों आज की वीडियो है अमेजिंग फैक्ट्स ऑन स्वीडिश वेलहाउंड इन हिंदी। स्वीडिश वेलहाउंड बहुत ही स्टर्डी कुत्ता है, बहुत ही जो पूरी बॉडी है बहुत कंस्ट्रक्शनली वेल बिल्ड है ऐसा कहते हैं, और इस पे जो कोट है वो बहुत थिक कोट है, मतलब बहुत ही ज़्यादा घना कोट है इस पे। और ये भी कहते हैं ये बहुत दूर का रिलेटिव है कॉर्गी का, आपको लग भी रहा होगा क्योंकि अगर आप इसे देखेंगे तो इसकी जो हाइट है, क्योंकि ये हाइट इसकी ग्राउंड से बहुत कम है तो ये बिल्कुल कॉर्गी की तरह दिखता है। कॉर्गी को थोड़ा स्टाइलिश बोला गया और ये थोड़ा नॉर्मल रहने वाला है, मतलब ये दोनों ब्रीड्स के बीच में डिफरेंस है। ये बहुत छोटा है, बहुत इजीली रह लेता है और छोटे घर के लिए बहुत अच्छा है ये भी कहते हैं। अब इसके पर्सनालिटी के बारे में बात करते हैं, ये बहुत सोशल है, इसे घुलने मिलने में बहुत मज़ा आता है, बहुत चीयरफुल है, अलर्ट है और बहुत ही इसके एक और काबिलियत है, ये हर्डिंग में भी काम आता है। कहते हैं कि जो इसकी हाइट है इसकी वजह से इसे सर पे लात लगने से बच जाती है, मतलब क्योंकि अगर कोई भी भेड़ बकरी या गाय से लात मारे तो इसलिए बच जाता है, तो इसके लिए हर्डिंग में भी ये काम आता है। और बहुत ही इंटेलिजेंट है क्योंकि हर्डिंग में अगर कोई डॉग अगर काम आ रहा है तो श्योरली बहुत इंटेलिजेंट है। एनर्जी लेवल वेरी एक्टिव है, एनर्जेटिक है, ईगर है हर चीज़ को करने के लिए और बहुत ही ज़्यादा कडल बहुत ज़्यादा करते हैं, मतलब आपको बहुत अच्छा लगेगा कि ये जो आपका डॉग है, डॉग नहीं बोलना चाहिए, जो आपका कंपेनियन है वो बहुत अच्छा है। बच्चों के साथ इसका बिहेवियर अच्छा है, कोई भी एज ग्रुप हो जाए, छोटे से लेकर छोटा टॉडलर और बड़े से बड़ा, सबके साथ अच्छे से रहता है, दूसरे डॉग्स के साथ अच्छा सा रहता है, बट सुपरविजन की ज़रूरत है। शेडिंग सीजनल होती है, ग्रूमिंग ओकेजनल, और हम हमेशा कहते हैं ग्रूमिंग के लिए मालिक डिपेंड होता है, जो ओनर है। अगर आप बड़े बाल रखना चाहते हैं, उसे अगर डेली सवार सकते हैं, उसे ग्रूम कर सकते हैं तो बढ़िया है, अगर नहीं कर सकते तो छोटे बाल रखे, ये आप पे डिपेंड करता है प्रॉपरली। ट्रेनिंग बहुत ईगर होते हैं ट्रेनिंग को, अगर कोई डॉग हर्डिंग में यूज़ हो रहा है तो बेशर्ता वो बहुत ही अच्छा इंटेलिजेंट डॉग होगा और बहुत ईगर होगा ट्रेन होने के। अब हाइट के बारे में बात करते हैं, 12 से लेके 13 इंचेस होती है मेल की और 11 से लेके 12 इंचेस होती है फीमेल की, तो थोड़ा ही डिफरेंस होता है मेल फीमेल की हाइट्स में। अब वेट के बारे में बात करते हैं तो 20 से 35 पाउंड की हाइट होती है दोनों में, मेल फीमेल में। लाइफ एक्सपेक्टेंसी 12 से 15 साल की उम्र तक जीते हैं जो एवरेज मानी गई है। पार्किंग लेवल जब ज़रूरी होता है तभी भौंकते हैं, और ये अच्छी चीज़ है जब ज़रूरी हो तभी भौंके, वरना नॉइजी कुत्ता किसी को नहीं अच्छा लगता। अब बात करते हैं इनकी रैंकिंग की, तो रैंकिंग में 163 पोजीशन पे है, 163, और इनकी जो हिस्ट्री है वो बहुत पुरानी है, 1993 से। तो दोस्तों थैंक्स फॉर वॉचिंग, शुक्रिया। अब लाइक का बटन दबाइए, शेयर का बटन दबाइए, और यहाँ तक देख ही चुके हैं तो सब्सक्राइब का बटन दबाना ना भूलिएगा। थैंक यू।